सतारा के प्रवीण जाधव के पास बचपन में ही दो रास्ते थे, या तो अपने पिता के साथ वो दिहाड़ी मजदूरी करते या बेहतर जिंदगी के लिए ट्रैक पर सर पर दौड़ते। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ओलंपिक में तीरंदाजी जैसे खेल में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सतारा के सराडे गाँव के इस लड़के का सफर संघर्षों से भरा रहा है। वो अपने माता पिता के साथ मजदूरी पर जाने भी लगे थे, लेकिन फिर खेलों ने जाधव परिवार की जिंदगी बदल दी। परिवार चलाने के लिए उनके पिता ने कहा कि स्कूल छोड़कर उन्हें मजदूरी करनी होगी। उस समय वो 7वीं क्लास में थे। ओलंपिक में तीरंदाजी जैसे खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जाधव ने कहा कि हमारी हालत बहुत खराब थी। मेरा परिवार पहले ही कह चुका था कि 7वीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ना होगा ताकि पिता के साथ मजदूरी कर सकूं। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उनके पिता रमेश को बमुश्किल 200 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। कई बार वो खेतों में खाद डालने के काम में पिता की मदद भी करते थे। एक दिन जाधव के स्कूल के खेल प्रशिक्षक विकास भुजबल ने उन्हें प्रतिभा देखी और एथलेटिक्स में भाग लेने को कहा। जाधव ने कहा कि विकास सर ने मुझे दौड़ना शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे जीवन बदलेगा और दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने 400 से 800 मीटर दौड़ना शुरू किया। अहमदनगर के क्रीड़ा प्रबोधिनी हॉस्टल में वो तीरंदाज बने। जब एक अभ्यास के दौरान उन्होंने 10 मीटर की दूरी से सभी 10 तीर निशाने पर लगाए। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और परिवार के हालात भी सुधर गए। वो अमरावती के क्रीड़ा प्रबोधिनी गए और बाद में पुणे के सैन्य खेल संस्थान में उन्हें दाखिला मिला।